हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, वीडियो का एग्जाम है, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और ऑलरेडी हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सभी कर लिया है, अब बारी हमारे अव्यय की। और लिंग वचन काल कारक भी आएगा आपका, ठीक है, बहुत सारी चीजें आएंगी फटाफट। पर्यायवाची भी आएगा, विलोम शब्द भी आएगा, अनेकार्थी के लिए एक शब्द भी आएगा, ठीक है, सभी चीज आएगा फटाफट, देते जाइए, कुछ समय बचा है, सभी का प्रिपरेशन करना अनिवार्य है ना। चलिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, अव्यय का। अव्यय किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, अविकारी को ही अव्यय कहते हैं, यानी जिसका हम लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो जिसका, वो हमारा अव्यय कहलाता है, अविकारी कहलाता है। तो पहला प्रश्न है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, आपको बताना है कि रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है, समुच्चय बोधक का, संबंध बोधक का, और विस्म्यादि बोधक का, या क्रिया विशेषण का। ठीक है, सिंपल है ये बिल्कुल। जो आपका संबंध बोधक है, सखियों सहित, मतलब अगर हम बात कर लें के साथ, के संग, के सहित, ऐसी चीजें अगर प्रयोग है, तो ये संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ये जो है आपके जो ये इस्तेमाल हो रहे हैं संबंध बोधक अव्यय, ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरे एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसलिए इनको संबंध बोधक अव्यय कहा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, कौन संबंध दर्शा रहा है, बिना, ये चीज क्या है, संबंध दिखा रहा है, तो बिना इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। अब देखिए अर्थ के अनुसार अगर क्रिया विशेषण के अगर हम भेद देखना चाहें, तो क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द होता है, आप सभी जानते हैं, है ना। इसके जो भेद है चार है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो स्थानवाचक देख लेते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण जिनके जिनसे स्थान दिशा की सूचना प्राप्त होती है, और दो प्रकार के इसमें भी होते हैं, स्थिति और दिशा। स्थिति क्या है, यहाँ वहां, वहां ऊपर, है ना, कहाँ, इस तरह से नीचे। दिशा क्या है, दिशा का ज्ञान हो, इधर उधर, चारों ओर, किधर जिधर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्थानवाचक के बाद कालवाचक आ जाता है। कालवाचक क्या है, समय की सूचना प्राप्त होती है। तीन भेद होते हैं, समय वाला, अवधि और पौन, यानी पुण्यवाचक। तो समयवाचक अब देख ले तो कल, परसों, जब, तब। अधिवाचक में आजकल, नित्य, सदा, सतत। पौन्य पुण्यवाचक में बार बार, बहुधा, प्रतिदिन, ये सब ध्यान रखिएगा। परिमाणवाचक में क्या है, परिमाण यानी अनिश्चित संख्या व परिमाण का बोध होता है, बहुत, लगभग, जरा, कितना, इस तरह से। रीतिवाचक में क्या है, इसमें निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध होता है, जैसे ऐसे, वैसे, शायद, हाँ, जी, नहीं, मत भी, मात्र, है ना। ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न संख्या तीन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक की बात कर रहा है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। बात क्या कर रहा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए। तो यहाँ ओले पड़ना क्या है, एक क्रिया है, और विशेषता, उसकी विशेषता कौन बता रहा, बहुत शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर ए इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता, वे क्या कहलाते। देखिए, जो विस्म्यादि बोधक अव्यय होते हैं ना, कौन से, जो विस्म्यादि बोधक अव्यय होते हैं, उनका वाक्य के उससे, बनावट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वो विस्म्यादि बोधक, जैसे हर्ष, शोक हो गया, इस तरह की जो सूचित होती है, वो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे अलास बोलते ना इंग्लिश में, हाय, अब मैं क्या करूं, अरे पीछे हट जाओ, ठीक है, देखो पीछे हटो, इस तरह की चीजें जो है विस्म्यादि बोधक के अंतर्गत आती हैं, और ये इनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, रूप के अनुसार, इसके रूप रंग के अनुसार, ठीक है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, रूप के अनुसार तो तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, आपके मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या हो गया, थ्री इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण अभी हमने देख लिया तीन, ठीक है, अब देख लेते हैं मूल क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण हैं जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, है ना, और नहीं, ये सभी। यौगिक क्रिया विशेषण क्या है, यौगिक मतलब जोड़ रहे हो, मतलब निर्माण किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से होता है, जैसे देखते हुए, वहां पर, यहां तक, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। स्थानीय क्रिया विशेषण क्या है, स्थानीय क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण है जो बिना रूपांतर के किसी स्थान पर आते हैं, ठीक है,
नेक्स्ट आइए, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूंगा, मैं काम के पीछे आया था। तो काम के पीछे आया था, तो पीछे जो है ये क्या कर रहा है, वाक्य के संबोधक को दिखा रहा है, तो यहां पर संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण जो है किस अव्यय का भेद है, ये ध्यान रखिए, बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, आपके समुच्चय बोधक का भेद है। किसका? समुच्चय बोधक का भेद है, ये ध्यान रखिएगा। किंतु, और, या, अथवा, है ना, लेकिन, व, इसलिए, अतः, एवं, ये सभी क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। तुम प्रतिदिन खेलते हो, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपर्युक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन की हमने बात की थी ना, क्या है ये? काल का विशेष, क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है प्रतिदिन आपका, ठीक है। हमने अवधि वाली बात कर ली थी ना। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? हटो क्या है? चेतावनी दे रहा है, क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है, हटो नहीं तो मैं मार दूंगा, हटो नहीं तो गोली मार देंगे। देखिए मनोभावों के आधार पर से कुछ प्रमुख भेद हैं आपके। विस्मय आश्चर्य वाला क्या है? अहो, अरे, क्या, शोक पीड़ा ग्लानि, हाय, उफ, प्रशंसा, शाबाश, अति सुंदर, चेतावनी, बचो, हटो, सावधान, संवेदना, हाय हाय हाय, तौबा तौबा तौबा, तिरस्कार, छी छी छी, धिक धिक्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, तुम दिन भर घूमते रहते हो, दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द में कौन सा अव्यय है? अब देखो यहां पर ये आ जाएगा निपात, क्या होता है निपात? निपात के बारे में आप सभी जानते होंगे, निपात भी कई सारे प्रकार के होते हैं, वो बताया जाएगा आगे आने वाले उसमें, ठीक है। तो यहां पर निपात जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अवधारक भी कहते हैं, जैसे भी, तो, केवल, मात्र, ही, ये सभी जो क्या है निपात के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक जो है शब्द कौन सा संबोधक है? हम, तुम, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, बताइए। पूर्वक मौलिक है, क्या है? मौलिक संबंध बोधक अव्यय है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पूर्वक, बिना, पर्यंत, ये सभी जो है नाई, ये सभी मौलिक संबोधक में आएंगे, ठीक है। और यौगिक वाले में अपेक्षा, तुल्य, समान, ठीक है, चलते, चलते, लिए, ये सभी क्या है यौगिक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए, संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं, मूल मौलिक संबंध बोधक यानी मूलतः की बात कर लेंगे, और दूसरा क्या है यौगिक संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मौलिक इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। देखिए पूर्वक जो है शब्द मौलिक संबंध बोधक अव्यय है, और अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से प्रकट करते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, मौलिक संबंध बोधक अव्यय और यौगिक संबंध बोधक। मौलिक में क्या है, पूर्वक, बिना, प्रयत्न, नाई। यौगिक संबंध बोधक में अपेक्षा, तुल्य, समान, चलते, लिए, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। मैं वहां होकर आया हूं, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? बताइए मैं शब्द है कि वहां शब्द है? बिल्कुल सही कहा आपने, वहां शब्द जो है वो अव्यय है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी यहां वहां ये सभी क्या है, ये सभी अव्यय के अंतर्गत आ जाएंगे, तो वहां इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। उसने कटोरा भर दूध पिया, उसने कटोरा भर दूध पिया, आप सभी जानते हैं भर शब्द क्या है यहां पर, अव्यय है, क्या है, भर शब्द अव्यय है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया, कौन सा क्रिया शब्द क्रिया विशेषण है? बाद, क्या है, बाद आया, ये आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द आइए, आगे शब्द, ये जो आगे है ना, ये जो है संबंध प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, सेनाओं का युद्ध क्षेत्र से। वह आया और मैं गया, वाक्य में समुच्चय बोधक वह कौन सा है? और शब्द है ना, सिंपल सा, क्या है, और शब्द, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हाय, अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में इसमें आदि बोधक शब्द बताइए, हाय, हाय हाय हाय, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, मुंबई के निकट पूना है, अब के निकट ये बताना है, कौन सा यहां पर आपका शब्द आएगा, के निकट, तो मुंबई के निकट क्या है आपका, पूना है, तो पूना का मतलब क्या हो गया, संबंध सूचक जो है यहां प्रदर्शित कर रहा है, तो हमारा संबंध सूचक हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संबंध सूचक इज द राइट एंड करेक्ट आंसर।
उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। कैसे लिखने की आदत है? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? लिखना क्या? एक विशेषण है, ठीक है, क्रिया है। एक लिखना, आप लिख रहे हो, एक क्रिया है, क्रिया कर रहे हो, लेकिन उसकी विशेषता पर क्या बता रहा है? विशेषण। तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं। आज तक, तक शब्द क्या है? निपात है। क्या है? निपात है। अब निपात के भी 9 भेद हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो। एक होता है सकारात्मक निपात, जैसे हाँ जी। नकारात्मक निपात क्या? नहीं जी नहीं। निषेधात्मक, मत, खबरदार। प्रश्नबोधक क्या? विस्मयादि बोधक निपात, काश, काश की। बलदायक निपात, तक, पर, सिर्फ। जो आपको आपने देखा वो बलदायक निपात था, यानी तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर, सिर्फ, ही, केवल। तुलना, तुलना बोधक निपात, साहस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अवर, अवधारणा बोधक निपात का, ठीक, करीब, लगभग, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आदर बोधक निपात का, जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए जी। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। अब ही शब्द है, अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले। ही शब्द क्या है? एक निपात है, ठीक है। ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, ये सभी क्या है? ये सभी निपात के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? अभी हमने बात की ना, क्या बात की? जो ठीक शब्द है ये आपका निपात होता है। नौ है, हमने हम देख लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। यहां क्या हो जाएगा? लेकिन शब्द क्या हो जाएगा? तो ये अव्यय हो जाएगा। जो लिंग वचन काल कारक के तहत परिवर्तित ना हो वो अव्यय कहलाते हैं। अफसोस, मैं जा नहीं सका, मैं नहीं जा सका। क्या है? अरे अफसोस करना क्या है? शोक सूचक अव्यय, ठीक है, आश्चर्य नहीं, शोक सूचक। अव्यय शब्द कौन सा है? ठीक शब्द जो है ये अव्यय के अंतर्गत आएगा। समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, आज जन्म नहीं है, बाकी अर्थात, अथवा, अतएव, ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। आजन्म क्या है? समुच्चय बोधक शब्द अव्यय नहीं है। कौन सा पद विकृत नहीं होता, यानी बदलता नहीं है? अव्यय जो है बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जा रहा है? 13 भागों में। कितने? 13 भागों में। अब 13 भाग कौन कौन से हैं देख लीजिए। स्थान कालवाचक, आगे पीछे बाद। स्थानवाचक, यहां पास निकट। दिशावाचक, और तरफ प्रति। और आपका साधनवाचक, द्वारा, जरिए, सहारे। हेतुवाचक, लिए, निमित्त, निमित्त, हेतु। विषयवाचक, बाबत, नाम, विषय। व्यतिरेक वाचक, सिवा, अलावा, अतिरिक्त, ये सभी आता है इसके अंतर्गत। विनिमय वाचक, पहले, सॉरी, बदले, जगह, एवज। सादृश्य वाचक, समान, भांति, तुल्य। विरोधवाचक, खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत। सब शब्द से, शब्द में मतलब छुपा हुआ है आपके। सहचर वाचक, साथ, समेत, सहित, संग्रह, तक, प्रयत्न, मात्र। तुलनावाचक, अपेक्षा, आगे, सामने। सिंपल सा। नेक्स्ट आ जाइए। जो शब्द वाक्यांशों तथा वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जोड़ने का काम कौन करता है बताइए? सही, समुच्चय करता है। कौन करता है? समुच्चय बोधक जो है आपका जोड़ने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। निम्न में अव्यय है, निम्न में अव्यय है, भारत, श्याम, दक्षिण, या आह। आह शब्द पढ़ा था ना, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। वह धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे हमने क्या पढ़ा था? क्रिया विशेषण है ना। नेक्स्ट आ जाइए। चल कैसे रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप सब जागते हो, है ना। तो भर शब्द क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि भर शब्द जो है आपका ये आ जाता है संबंध बोध, संबंध सूचक अव्यय के अंतर्गत। क्या है? संबंध सूचक अव्यय के अंतर्गत आ जाता है। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। कौन सा अव्यय है? संबोधित, तिरस्कार, शोक, हर्ष, हर्ष कर रहे हैं ना भाई, तो हर्ष बोधक वाक्य हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अब यहां भी कुछ अन्य भी उपभेद है उसके, ठीक है। जैसे हर्ष बोधक हो गया, वाह, आह, शाबाश, धन्य, जय। शोक बोधक, आह, हाय, काश, त्राही, त्राही, आश्चर्य वाले, ओहो, हैं, हैं। स्वीकार बोधक, हाँ, जी हाँ, ठीक। अनुमोदन बोधक, ठीक, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तिरस्कार बोधक, छी, हट, देख, दूर। संबंध बोधन, अरे, रे, अजी, हे, ओ, अहो। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। रेखांकित शब्द क्या? अत्यंत का क्या है?
फिर संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या संज्ञा है, ये आपको बताना है। बताइए, तो माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, ये अब क्रिया विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताती है, क्रिया क्या गाना और गाना की विशेषता बता रही है अत्यंत, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्षण भर। क्या है? क्षण भर परिमाण बता रहा है ना, नाप तोल सकते हैं इसको। तो स्थानवाचक यहां वहां इधर उधर, कालवाचक रात भर आज भर आजकल हर बार प्रतिदिन, परिमाणवाचक देखो बहुत अत्यंत थोड़ा किंचित तिल तिल है ना, रीतिवाचक ऐसे कैसे कदाचित तक इसलिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है इतना। क्या है? इतना, सर्वदा सर्वत्र गलत ये सब नहीं होगा, इतना शब्द जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। समुच्चय बोधक को कहते हैं, क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? अविकारी, विकारी। अरे अविकारी कहते हैं भाई, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये सभी अविकारी में आएंगे, अव्यय में आएंगे। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? जल्दी से, जल्दी से बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, क्रिया विशेषण है। क्या है? लपक कर पहुंचना। अब पहुंचना एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता कैसे बता रहा है? जल्दी से पहुंचा है, तो क्रिया विशेषण इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। कुत्ता भौंक रहा है, हाथी चल रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही, कौन सा आंसर है बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, जो राधा रात भर जाग रही है वो क्या है? क्रिया विशेषण, वहां अव्यय आ रहा है, जाग कैसे रही है? रात भर, है ना, तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण आ जाएगा। दिन भर रात भर, ये सभी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? भरोसा। भरोसा जो आजकल लोगों पर से उठ चुका है, तो ये क्या है? संबंध को दर्शाता है। आपका किसी के ऊपर कितना भरोसा है, ये आपके और उसके बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, कैसे बिक रही हैं? धड़ाधड़, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। आप धड़ाधड़ पढ़ रहे हो आजकल, है ना। अविकारी शब्द क्या होता है बताओ? अव्यय होता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो ये तो क्या है? विकारी है, अविकारी, सॉरी विकारी है, है ना। ठीक है, ये जो परिवर्तित हो जाते हैं लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी कहते हैं। जो परिवर्तित ना हो उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। ठीक, कौन सा पद शब्द यहाँ क्रिया विशेषण है, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है? तेज, बुद्धिमान, मीठा, पहला, बताइए। कई लोग बोल रहे होंगे नहीं मीठा है सर, नहीं नहीं बुद्धिमान है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्रिया विशेषण ऐसे नॉर्मली वाक्य ना दे करके डायरेक्ट वर्ड ही डाल दे, तो क्या बुद्धिमान नॉर्मल अपने आप में बुद्धिमान एक विशेषण है? ठीक है, मीठा, पहला, तेज, तो वह दौड़ रहा है। दौड़ना कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या क्रिया विशेषण आ जाएगा? वह बुद्धिमान है, वह अत्यंत बुद्धिमान। बुद्धिमान देखो कोई क्रिया विशेषण नहीं है, मतलब आपका किसी क्रिया की विशेषता नहीं बताएगा। मीठा भी किसी क्रिया की विशेषता नहीं बताएगा, है ना, वह मीठा काम कर रहा है, ऐसे नहीं मतलब कुछ कह सकते ना। वह तेज दौड़ रहा है, दौड़ना एक क्रिया है, तो दौड़ना जो है उसकी विशेषता बता सकते हैं। तो यहाँ पर तेज इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेत, कारणवाचक, संबंध, परिमाण। देखो भाई कारण की बात हो रही है यहाँ पर, तो कारणवाचक सर्वनाम आएगा, कारणवाचक अव्यय आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा लगा मानो बम फटा, याद है सारे जगह बम मारेंगे, धुआं धुआं इलाका, धुआं धुआं हो जाएगा, डायलॉग याद है कि नहीं? चलिए उसी से कनेक्ट रखिएगा। तो बताइए, तो यह ऊपर वाला हो गया, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो क्या संबंध बोधक, स्वरूप बोधक हो जाएगा, संकेत बोधक हो जाएगा, उद्देश्य बोधक या कारण बोधक? यहाँ पर आपका स्वरूप बोधक हो जाएगा। क्या? जो स्वरूप को प्रदर्शित कर रहा है वहां पर आपका स्वरूप बोधक हो जाएगा। ठीक है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा है? अब ये भी आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? अच्छा, वेरी गुड। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे हमने पढ़ा था ना, अभी पढ़ना क्या है? क्रिया, इसकी विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, मतलब क्या हो जाएगा? धीरे धीरे से आप जानते ही हैं, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो, मजा आया हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।